तो आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस कि व्हाट आर द इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स तो क्रिस्टलाइजेशन परफेक्ट तभी होती है वेन एवर इट इज डन एट वेरी वेरी स्लो रेट और वेनएवर इट अकर्स एट वेरी स्लो रेट ठीक है तो ये वाला पॉइंट आप यहां पे याद कर सकते हैं कि सिंगल क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड वेन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अकर्स एट एक्सट्रीमली स्लो रेट अगर थोड़ा भी अगर आपने इसको फास्ट किया ठीक है अगर मॉडरेट या फास्ट रेट पे क्रिस्टलाइजेशन हो तो उसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं ठीक है अब ये डिफेक्ट किस तरह के होते हैं तो ब्रॉडली स्पीकिंग डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स एक होते हैं हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट्स और दूसरे होते हैं लाइन डिफेक्ट्स पॉइंट डिफेक्ट का मतलब ही ऐसा है कि पूरा आपका क्रिस्टल मान लीजिए हमारे पास स्ट्रक्चर था बीच में एक पॉइंट पे कोई चीज गायब है जैसे यहां पर कुछ नहीं है ठीक है तो पॉइंट डिफेक्ट आर द इेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन क्रिस्टलिन सबस्टास मतलब एक पॉइंट के आसपास जो डिफेक्ट है ठीक है लाइन डिफेक्ट क्या होता है वो पूरी लाइन में होगा जैसे पॉइंट डिफेक्ट यहां पर मैंने ये एक एटम यहां से एबसेंट कर दिया यहां पर प्रेजेंट नहीं है तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे एटम रिमूव किया गया है अगर यह एटम पूरी लाइन से ही निकाल दिए जाएं देन इट विल बिकम अ लाइन डिफेक्ट तो पॉइंट डिफेक्ट आर द इेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन द क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर वेर इज द लाइन डिफेक्ट क्या है दे आर द इेगुलरिटीज इन एंटायर रोज पूरी लाइन में ही वो डिफेक्ट प्रेजेंट होगा तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में वी आर नॉट कंसर्ड के लाइन डिफेक्ट कौन कौन से हैं हमें सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ने हैं तो पॉइंट डिफेक्ट बेसिकली तीन तरह से क्लासीफाई किए जाते हैं वन इज स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट सेकेंड इज इंप्योरिटी थर्ड इज नॉन स्टॉक्योमेट्रिक देखो स्टॉक्योमेट्रिक का मतलब क्या हुआ ये वो पॉइंट डिफेक्ट हैं जो किसी भी स्टॉक्योमेट्रिक को डिस्टर्ब नहीं करते जैसे कि अगर मैंने कहा आपको कि स्ट्रक्चर है हमारे पास एन ए सी एल अगर मेरे पास हंड्रेड एन ए पॉजिटिव होंगे तो हंड्रेड सी एल नेगेटिव भी होने चाहिए ठीक है एक तो ये हो गया तो ये तो चलो आयनिक फॉर्म है कि आयन का चार्ज आपस में बैलेंस होना चाहिए कुछ ऐसे अगर ले लेते हैं मान लीजिए मेरे पास ए बी स्ट्रक्चर है और ये आयन नहीं है ठीक है ए बी स्ट्रक्चर में अगर हंड्रेड ए होंगे तो हंड्रेड बी भी होने चाहिए अगर एक ए में या मान लीजिए दो ए निकाल देता हूं तो नाइन्टी एट ए बच जाएंगे नाइन्टी एट ए अब अगर हंड्रेड बी के साथ कंबाइन करेंगे तो हंड्रेड ए भी तो नहीं बन सकते क्यूमिट्री खराब होगी ना क्योंकि जितने ए थे उतने ही बी होने चाहिए थे हाँ अब हम ये कर सकते हैं कि अगर हमने दो ए के पार्टिकल्स रिमूव किए हैं तो दो ही B के भी पार्टिकल्स रिमूव करें ताकि 98 B बी बचें तो इससे क्या होता है स्टॉक्योमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती ठीक है तो दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट्स जो स्टोक्योमेट्री ऑफ सॉलिड को अफेक्ट नहीं करते इनको इंट्रेंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहा जाता है नाउ इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट के इंट्रेंसिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं तो आपको पता होना चाहिए पॉइंट डिफेक्ट्स जो कि स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं और यही थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी होंगे अब स्टॉक्यूमेट्री डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं वन वन वैकेंसी वैकेंसी एंड नाम से आपको पता लग रहा है कि पर क्या होगा कोई वैकेंसी होगी ठीक है लेटिस यहां पर एटम गायब है तो यहां वैकेंसी है यहां पर भी वैकेंसी है ठीक है तो वेन द सम ऑफ साइट्स आर वेकेंट द क्रिस्टल सेट टू डिफेक्ट अब इससे क्या होगा कि पहले अगर इतने पर्टिकुलर वॉल्यूम में देखें तो वन टू थ्री फोर एट ट्वेल्व बारह एटम होने चाहिए थे दो वेकेंट हैं तो हमारे पास दस हैं उतनी ही वॉल्यूम में कम पार्टिकल्स होंगे तो कम मास होगा तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम उतना ही है पार्टिकल्स कम हो गए तो डेंसिटी क्या होगी कम हो जाएगी तो

ये जहां पर एटम लगे हुए हैं ये तो लेटिस पॉइंट्स हैं इनके बीच के जो खाली स्पेसिस हैं इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स तो जब कोई पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दिस डिफेक्ट इंक्रीजेस द डेंसिटी तो ये भी देख लेते हैं कि ये डेंसिटी इंक्रीज कैसे करेगा देखिए दिस इज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो जो बारह आइटम होने चाहिए थे वो तो थे पर कुछ एटम बीच में भी आ गए, इंटस्ट्रीशियल साइड पे दो एक्स्ट्रा आगे ये दो एक्स्ट्रा आगे उतनी ही वॉल्यूम में दो एक्स्ट्रा आगे तो सेम वॉल्यूम में वॉल्यूम सेम है मास बढ़ गया तो डेंसिटी यहां पर बढ़ जाती है ठीक है तो इंटस्ट्रीशियल में डेंसिटी इंक्रीजेस अब वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो हमने पढ़े ये सिर्फ नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए हैं ठीक है नॉन आयनिक के लिए आयनिक को हमेशा अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी होती है अगर 100 पॉजिटिव चार्ज होगा आयनिक में तो उसको बैलेंस करने के लिए 100 नेगेटिव भी होना चाहिए तो आयनिक के के केस में वैकेंसी और इंटरस्टिशियल नहीं होते जो नाम होते हैं डिफेक्ट के वो होते हैं फ्रेंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट्स सिंपल ऐसे ही होते हैं वैकेंसी और इंडस्ट्रीशियल की तरह पर उनके नाम डिफरेंट हैं ठीक है थीके? तो उनको बोलते हैं फ्रेंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट तो फ्रेंकल और शॉर्ट की में और वैकेंसी और किस में होते हैं नॉन आयनिक सॉलिड्स में अब देखिए फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या है दिस डिफेक्ट इज शोन बाय द आयनिक सॉलिड्स द स्मॉलर आयन इज डिसलोकेटेड इंटस्ट्रीशियल साइट में, तो में चला गया तो वहां पर इंटेस्ट्रिशियल डिफेक्ट आ गया तो बेसिकली फ्रेंकल डिफेक्ट में दोनों आ जाते हैं वेकेंसी भी आ जाती है और इंटस्ट्रिशियल भी आ जाता है दोनों डिफेक्ट साइमल्टेनियसली आ जाते हैं तो इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं क्योंकि आपने कुछ बाहर नहीं निकाला या बाहर से लेके नहीं आए एक जगह से उठा के उसको दूसरी जगह पे डाल दिया ठीक है नाउ दिस इज द फ्रेंकल डिफेक्ट देखो यहां पे आ, सभी लेयर्स में देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्योंकि चार्जेस को बैलेंस करना है यहां पर बीच में क्या है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आना चाहिए था पॉजिटिव नहीं आया ना ये पॉजिटिव खिसक के या डिसलोकेट होके यहां पर चला गया तो इस पोजीशन पे क्या जनरेट हुआ वैकेंसी डिफेक्ट और इस पोजीशन पे क्या जनरेट हुआ इंटस्ट्रिशियल डिफेक्ट और न्यूट्रलिटी हो ही रही क्योंकि आपने ना तो पार्टिकल को बाहर निकाला ना बाहर से कोई नया चार्ज लेके आए हैं सिर्फ उसी स्ट्रक्चर में लेटिस पॉइंट से हटा के उसको इंटस्ट्रिशियल पॉइंट में डिसलोकेट कर दिया ठीक है तो तो दैट इज वाइट इज कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट तो फ्रेंकल डिफेक्ट क्लियर है नाउ इट इज कॉल्ड अ डिसलोकेशन डिफेक्ट अब इट डजेंट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्यों चेंज नहीं करता क्योंकि आपने कोई एटम ऐड नहीं किया और कोई भी एटम रिमूव नहीं किया जस्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ट्रांसफर कर दिया है ठीक है अब फ्रेंकल डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंस इन विच देर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ आयन मतलब कैटायन छोटा होगा एनायन काफ़ी बड़ा होगा तभी क्या होगा जब एनाय काफ़ी बड़े होंगे साइज में और कैटायन बहुत छोटे होंगे तब वो छोटे कैटाइन्स इंटरस्टिशियल पोजीशन पे जाके शिफ्ट हो सकते हैं ठीक है मतलब अपने लेटिस पॉइंट से जाके इंटरस्टिशियल पे शिफ्ट हो सकते हैं ठीक है तो ये कंडीशन भी याद रखनी है कि जब भी आयन्स के साइजेस में काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो तभी फ्रेंकल डिफेक्ट शो होता है फॉर एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड ए जी सी एल ए जी बी आर ए जी आई ठीक है बिकॉज जिंक टू पॉजिटिव और ए जी पॉजिटिव काफ़ी छोटे कैटाइंस हैं नेक्स्ट इज अ की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या है इट इज़ बेसिकली अ वैकेंसी डिफेक्ट मतलब यहाँ पर कोई ना कोई आयन बाहर ही जाएगा पर अगर मान लो मैंने दो पॉजिटिव चार्ज बाहर निकाल दिए तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए मुझे दो नेगेटिव को भी बाहर निकालना पड़ेगा ठीक है तो इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नंबर ऑफ मिसिंग कैटाइन एंड एनाइंस आर इक्वल कि चार कैटाइन अगर जाएंगे तो चार एनाइन भी जाएंगे प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड के दोनों के ऊपर वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव है मान लो कैटाइन था तुम्हारा जिंक टू पॉजिटिव ठीक है और एनाइन जो है वो आपका है मतलब ऐसा लेते हैं जैसे कैल्शियम फ्लोराइड ले लेते हैं हम ले तो कैल्शियम टू पॉजिटिव है एफ पे वन नेगेटिव है तो अगर चार कैल्शियम टू पॉजिटिव गए तो फिर आठ एफ नेगेटिव जाएंगे ठीक है तो ये तब होगा जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी तो इट ऑलवेज मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो अभी हम यही बोलेंगे कि नंबर ऑफ मिसिंग कैटाइन और एनाइंस इक्वल होते हैं ये मान के चलो कि कैटाइन पे वन पॉजिटिव और एनायन पे वन नेगेटिव है तो क्योंकि अगर आप जब पार्टिकल्स हटा दोगे जैसे कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में यहाँ से पार्टिकल निकल गया पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल गया नेगेटिव एक पेयर गया यहाँ से नेगेटिव और यहाँ से फिर पॉजिटिव दो पेयर गए तो पूरी वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हुए तो यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी कम हो जाएगी तो शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज़ करती है ठीक है डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्स्टांस और ये पैराग्राफ आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या हैं अच्छा ये कब होता है ये तब होगा वेन द कैटायन एंड एनाइन आर ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज फ्रेंकल कब था जब दोनों के साइज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और शॉर्ट की कब होगा जब दोनों के साइज़ काफ़ी सिमिलर हैं एन एस सी एल के सी एल सीजियम क्लोराइड ए जी बी आर ठीक है NaCl, KCl, chloride, AGBR, पर एक्चुअली में सीजियम क्लोराइड में साइज उतने उतने भी सिमिलर नहीं होते ठीक है स्टिल यू कैन चेक इट फ्रॉम द रेडियस रेशियो तो सीजियम क्लोराइड की रेडियस रेडियस रेशियो अराउंड पॉइंट से थोड़ी सी ज्यादा आती है ठीक है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट मे बी नोटेड दैट द ए जी बी आर शोज बोथ ए जी बी आर शॉर्टक्यू और फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट शो करता है फिर उसके बाद आ जाते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स देखो इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या है कुछ इंप्योरिटी हमने एड करनी है तो इफ मोल्टन एन ए सी एल कंटेनिंग अ लिटल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड मतलब मोल्टन एन ए सी एल में एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव आइंस होंगे उसमें अगर थोड़ा सा स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड एस आर सी एल टू ठीक है कि इंप्योरिटी प्रेजेंट है और उसको क्रिस्टलाइज कर दिया जाए तो क्या होगा एन ए पॉजिटिव की जगह पे स्ट्रॉनशियम टू पॉजिटिव चला जाएगा ठीक है तो एक एन ए पॉजिटिव हटा के आपने उसकी जगह भेज दिया स्ट्रॉनशियम टू पॉजिटिव इससे फर्क क्या पड़ा कि एक एन ए एक सी एल को बैलेंस करता था पर एक स्ट्रॉनशियम तो दो क्लोराइड को बैलेंस कर लेगा मतलब ये दो सोडियम के बराबर का चार्ज है ठीक है तो फिर एक और जगह से सोडियम गायब करना पड़ेगा जैसे देखो एन ए सी एल एन ए सी एल सी एल नेगेटिव फिर एन ए की जगह पर स्ट्रॉनशियम आ गया अब स्ट्रॉनशियम ने क्योंकि डबल चार्ज उसके पास प्रेजेंट है तो एक और सोडियम आपको वैसे ही गायब करना पड़ेगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रेलिटी तो अगली लेयर से देखो यहां पे हमने सोडियम रिमूव कर दिया वैकेंट है ठीक है तो दिस इज कॉल्ड कैटायन वेकेंसी ठीक है तो स्ट्रॉनशियम टू पॉजिटिव डालने से दो एन पॉजिटिव रिप्लेस होते हैं एक की जगह स्ट्रॉनशियम खुद चला जाता है दूसरा खाली रहती जगह ठीक है तो द कैटैनिक वैकेंसीज दस प्रोड्यूस्ड आर इक्वल टू नंबर अब अगर मैं एक स्ट्रॉनशियम डाल रहा हूं तो एक कैटाइनिक वैकेंसी बन रही है अगर मैं दो स्ट्रॉनशियम डालूंगा तो दो कैटाइनिक वैकेंसीज बनेंगी इट मींस कि कैटाइनिक वैकेंसीज उतनी होती हैं जितने हम आयन यहां पे डाल रहे हैं ठीक है यहां पर बात हो रही है स्ट्रॉनशियम टू पॉजिटिव की मान लो मैं कोई एक्स थ्री पॉजिटिव कैटाइन डाल दूं तो से क्या होगा ये तीन सोडियम को रिप्लेस करेगा तो एक की जगह खुद चला जाएगा बाकी दो जगह खाली रहेंगी तो एक एक्स थ्री पॉजिटिव डालने से दो वैकेंसीज आएंगी डबल तो ये मत बोलना कि हमेशा ही कैटाइनिक वैकेंसी इक्वल टू तो नंबर ऑफ आइन होती है यहां पर तो एग्जाम्पल स्ट्रॉनशियम का था तब ये स्टेटमेंट लिखी हुई है ओके तो दैट इज क्लियर इंप्योरिटी डिफेक्ट्स फिर नेक्स्ट बात करते हैं नॉन स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स की नॉन स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा उनमें स्टॉक्यूमिट्री डिस्टर्ब हो जाती है मतलब ऐसा नहीं करना है कि आपने चार केटायन निकाले तो चार ही एनायन भी निकालने हैं स्टॉक्यूमिट्री मेंटेन करने के लिए ठीक है तो देखो हाउ एवर अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन स्टॉक्यूमेट्रिक इनऑर्गेनिक सॉलिड्स आर नोन हमें लगता है कि स्टॉक्यूमिट्री मेंटेन होनी चाहिए पर ऐसे बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं जिनमें स्टॉक्यूमिट्री मेंटेन नहीं होती क्यों क्योंकि उनमें डिफेक्ट्स होते हैं Now, these defects आर ऑफ टू टाइप्स वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड द अदर इज मेटल deficiency डिफेक्ट फर्स्ट देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट मेटल एक्सेस कब हो जाएगा मेरे पास दस मेटल हैं और दस एनायन है मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और दस हमारे पास एनायन है ए नेगेटिव मेटल एक्सेस में तभी होगा ना अगर एनायन कम हो जाएंगे ये दस के दस रहे और ये नौ हो जाएं. तो मेटल एक्सेस में हो गया ठीक है तो एनायंस को रिमूव करने से ही तो मेटल एक्सेस में आ रहा है तो मेटल एक्सेस इज बिकॉज ऑफ एनायनिक वैकेंसीज़। अब इसका कॉमन एग्जाम्पल है अल्काइल, like, तो इस तरह का डिफेक्ट मिलेगा वेन क्रिस्टल्स ऑफ नाउ इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना द क्रिस्टल्स ऑफ एन ए सी एल आर हीटेड इन एन एटमोसफेयर ऑफ सोडियम वेपर नाउ जस्ट इमेजिन दिस इन योर हैड क्या किया हमने सोडियम के क्रिस्टल्स थे और सोडियम सॉरी सोडियम के क्रिस्टल नहीं थे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स थे और सोडियम वेपर्स का एटमोसफेयर था ठीक है और क्रिस्टल्स को हम हीट कर रहे हैं अब द सोडियम एटम्स आर डिपॉजिटेड तो ऊपर जो आपका सोडियम एटम्स का एनवायरमेंट है सोडियम के वेपर है ना ये तो सोडियम के जो वेपर होंगे वो आके इसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे ठीक है तो एन का एक एटम मान लो यहाँ पर आके डिपॉजिट हो गया अब क्या होगा एन एटम है यहाँ पर तो न्यूट्रल है पर इसके अंदर तो एन पॉजिटिव चाहिए तो ये एन क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा ठीक है इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया अब ये क्या बन गया अभी एन ए नहीं रहा अब ये बन गया एन ए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इसने अब इस एन ए पॉजिटिव के पड़ोस में इसको सी एल नेगेटिव भी चाहिए तो अंदर से एक सीएल नेगेटिव है ठीक है यहां पर क्या था देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो यहां सी एल नेगेटिव था यहां से मान लो एक सीएल नेगेटिव उठ के ऊपर चला गया ठीक है तो सी एल नेगेटिव आयन डिफ्यूज टू द सर्फेस ऑफ द क्रिस्टल तो अंदर से एक सीएल नेगेटिव आयन बाहर गया तो यहां इसको सी नेगेटिव मिल गया एनएसएल बन गया पूरा अब जहां से सीएल नेगेटिव आया है ये जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा था ये वहां चला जाएगा चार्ज बैलेंस हो रहा है ठीक है चार्ज बैलेंस हो रहा है सीएल पे भी वन नेगेटिव चार्ज था इलेक्ट्रॉन पे भी वन नेगेटिव है पर ये नेगेटिव चार्ज अब इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोराइड नहीं दे रहा क्लोराइड निकल के बाहर चला गया ठीक है तो यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी मेंटेन है पर एक क्लोराइड बाहर चला गया आप यह बोल सकते हो कि एक सोडियम बाहर से एक्स्ट्रा आ गया तो हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट तो यह जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है दिस पोजीशन जिसको इलेक्ट्रॉन ने ऑक्युपाई किया है दिस पोजीशन इज कॉल्ड एफ सेंटर ठीक है द एनायनिक साइट ऑक्युपाइड बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एफ सेंटर जर्मन वर्ड इनका है फारबेंटर ठीक फॉर कलर नेचर अब इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा इस इलेक्ट्रॉन की वजह से NaCl के क्रिस्टल का येलो कलर आता है क्योंकि सोडियम होगा, होगा, का इलेक्ट्रॉन था तो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन से कौन सी लाइट छोड़ेगा सोडियम की जो कैरेक्टरिस्टिक लाइट है दैट इज येलो कलर तो इसी वजह से क्रिस्टल के पास एक येलो कलर आ जाता है वैसे ही LiCl लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स को लिथियम के वेपर्स की प्रेजेंस में हीट करोगे ठीक है देखो ध्यान देना एल आई सी एल है तो लिथियम के वेपर NaCl था तो सोडियम के वेपर के सी एल होगा तो पोटाशियम के वेपर ठीक है तो उनकी वेपर की प्रेजेंस में हीट करने पे एफ सेंटर्स बनते हैं ठीक है सेकेंड इज द मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन तो ये तो एक तरीका हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट डालने का कैसे एनाइनिक वैकेंसीज के थ्रू सेकेंड जो मेथड है दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन एट द इंटस्टिशियल साइट्स क्या आप ये भी कर सकते हो कि एक्स्ट्रा कैटाइन बाहर से ले आओ तो एक तरीका हो गया कि मेरे पास दस कैटाइन थे प्लस दस एनायन थे मैंने एनायन बाहर निकाल दिया तभी एक्सेस में रह गई अगर मैं एनायन दस के दस ही रखता हूं पर कैटायन बाहर से एक और ले आता हूं या दो और ले आता हूं तब भी तो कैटायन एक्सेस हो सकता है ठीक है तो पहला मेथड हमने पढ़ा एनायन निकालने का सेकेंड इज बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन एट द इंटरस्टिशियल साइड तो जैसे कि जिंक ऑक्साइड को अगर हम हीट करेंगे ठीक है जिंक ऑक्साइड का आपके पास क्रिस्टल पड़ा हुआ है इस जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को आपने हीट किया हीट करने से ये डिकम्पोज करता है जिंक टू पॉजिटिव और ओ टू गैस निकल जाती है तो ओ टू तो बाहर निकल गई पर दो इलेक्ट्रॉन रह गए तो मतलब अब जिंक टू पॉजिटिव है और दो इलेक्ट्रॉन है पहले क्या था पहले भी जिंक टू पॉजिटिव था और ओ टू नेगेटिव थी ठीक है तो चार्जी तो यहां पर भी टू पॉजिटिव टू नेगेटिव बैलेंस हो रहे हैं पर ऑक्सीजन चली गई ना बाहर ऑक्सीजन चली गई बाहर जिंक उतना ही रहा ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन पीछे ऑक्सीजन तो तो कम हो गई ठीक है तो नाउ देर इज एन एक्सेस ऑफ जिंक इन क्रिस्टल इसीलिए क्या होगा एक एक जिंक एक ऑक्सीजन कम हो गई ठीक है मतलब अब पहले अगर आपके पास दस जिंक थे दस ऑक्सीजन थी अब दस जिंक हैं पर नौ ऑक्सीजन होंगी, ठीक है तो जिंक क्या हो गया एक एक्स्ट्रा हो गया ठीक है तो इस तरह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट एक्स्ट्रा कैटाइन की प्रेजेंस से भी बनाया जा सकता है फिर सेकंड आ गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट अब मेटल डेफिशिएंसी कैसे होगा नाउ दीर देर आर मेनी सॉलिड विच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन द टॉक्यूमेट्रिक कॉम्पोजिशन एंड कंटेन लेस अमाउंट ऑफ मेटल एज कंपेयर टू स्टॉक्यूमेट्री तो मतलब मेटल डेफिशिएंसी में क्या हो कि अगर 10 मेटल के साथ 10 नॉन मेटल चाहिए थे तो मेटल आपके कम है ठीक है अब टिपिकल एग्जांपल ऑफ दिस इज एफ आयरन ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड जनरली फॉर्मूला अगर हम लिखे एफ तो ये वन इज टू वन में कंबाइन नहीं करते मोस्ट ऑफ द केसेज आयरन इसमें जीरो पॉइंट नाइन फाइव होता है जबकि ऑक्सीजन वन होती है ठीक है तो स्टॉक तो मेंटेन नहीं हो रही जनरली ये रेशो पॉइंट नाइन थ्री से पॉइंट नाइन सिक्स तक जाती है जिसको आप एवरेज ले, ले लेते हो पॉइंट नाइन फाइव तो यहां पर आयरन जो है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम है तो दैट इज अ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट तो इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं ओके नेक्स्ट वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देखो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वेरी सिंपल टॉपिक है कि कंडक्टर्स हैं इंसुलेटर्स हैं सेमी कंडक्टर्स है तो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है और कंडक्टर जनरली कौन से हैं मेटल्स तो मेटल्स को अगर आप हीट करोगे तो उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है ठीक है टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटल्स की कंडक्टिविटी कम हो जाती है इंसुलेटर्स जिनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है सेमी कंडक्टर्स इन बिटवीन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में है इनकी कंडक्टिविटीज सेमी कंडक्टर में खास ये होता है कि सेमी कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी मेटल्स में उल्टा होता है ठीक है तो ये आई थिंक आप अपने लेवल पे पढ़ सकते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों आपको अपने लेवल पे पढ़ना है क्योंकि ये इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर ये पूरा एक चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स में जो आपकी लास्ट टॉपिक है फिजिक्स का तो वहां तो आपको ये कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे तो वहां पर ये जो बैंड गैप है एन पी एन जंक्शन होते हैं किस तरह से ट्रांजिस्टर्स बनते हैं ऑल दैट विल बी डिस्कसूल अंडरस्टैंड दैट इन अ मच बेटर वे ठीक है दैट इज राय मैं इंजिस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको अपने लेवल पर एक बार पढ़ लें एंड स्टिल इफ दे इज अ प्रॉब्लम दैन वी विल डिस्कस इट इन द लेटर सेशन थैंक यू हैव अ